जय सियाराम दोस्तों। प्रश्न, अर्पण करने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अर्पण करने से तात्पर्य है अपनापन छोड़ देना। प्रश्न, भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद क्या पूर्व संस्कारवश निषिद्ध कर्म हो सकता है? निषिद्ध कर्म अर्थात न करने योग्य या अशुभ कर्म? उत्तर, नहीं हो सकता। प्रश्न, क्या भूलवश ऐसा अहंकार हो सकता है कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया हो? उत्तर, नहीं हो सकता। यदि अभिमान होता है तो वास्तव में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं, संसार शरीर व पदार्थों को भूल से अपना मान लिया था। जब वो भूल मिट गई तब अभिमान कैसा? प्रश्न, क्या भगवान को सर्वस्व अर्पण करने से हमारे गुणों के साथ साथ दोष भी समर्पित हो जाते हैं? उत्तर, हाँ, सर्वस्व अर्पण करने पर हमारे गुण दोष सब भगवान को अर्पित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मकान बेचने पर उसमें रहने वाले जीव जंतु, चींटी, छिपकली या कीट इत्यादि भी उसके साथ स्वतः ही चले जाते हैं, या जैसे अग्नि में अर्पित हुई हर वस्तु जलकर अग्नि रूप ही हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, अर्थात मेरे अर्पण करने से तो कर्म बंधन से और शुभ अर्थात विहित व अशुभ अर्थात निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। धन्यवाद। राम आपका भला करे। ओम श्री हरि शरणम।